वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम नस्तर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, हुस्न कंवल का नॉवल जुगनू की किस नंबर 5 लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। तो आइए हम बग़ैर ताकीद के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ हुआ है क्या नायाब? आपने अब जाके इस लड़के का चेहरा बखौर देखा, उसके इर्द गिर्द काले बादल छाए नज़र अलग ही आ रहे थे। कुछ हुआ है? स्कूल से निकाल रहे हैं तुम्हें, वो आखिरी जुमले पर चीखा। उसकी बेजारियत व चिड़चिड़ाहट व गुस्सा अपने उरूज पर था इस लम्हे। कभी अपने लिए उसने इतनी मेहनत ना की होगी जितनी वो इस लड़की के लिए कर रहा था। क्यों? मुकाबिल की जानिब से नहायत मासूमियत से इस्तेसार किया गया, जिस पर वो मज़ीद जल उठा। क्योंकि तुम पढ़ती नहीं हो कुछ, ना ही किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रही हो। नायाब, अगर तुम ये सब पढ़ाई से भागने के चक्कर में कर रही हो तो मैं बता दूं, मैं इससे ज़्यादा सख्त स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा तुम्हारा, जहाँ बच्चों को बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है। वो उसे डरा रहा था ताकि वो अपनी शरारतों व शर जहनी से बाज आए। ओके, वो रोंदू सा मुंह बनाकर दोनों हाथ फोल्ड कर नजरें झुकाए बोली। मुकाबिल ने मुतमईन होकर गाड़ी का डोर क्लोज किया, फिर दूसरी जानिब से आकर गाड़ी में बैठा। रास्ते में नायाब ने एक लफ्ज़ नहीं कहा था, जबकि रोज़ाना वो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करती थी। वो ड्राइव करते हुए बार बार उसका उतरा हुआ चेहरा देख रहा था, वो एक बार नज़र तक नहीं उठा रही थी। कुछ भी कहो, वो क्यूट सी लगती थी, मुँह फुलाए भी। थोड़ा गिल्ट पैदा हुआ, शायद ज़्यादा सख्ती कर गया ये सोच रास्ते में उसने उसके लिए बर्गर लिया। ये लो, इस कम उम्र लड़के ने बर्गर का पेपर बैग उसकी जानेब बढ़ाया, मगर उसने अपना नन्ना सा मुँह फ़ौरन ही दूसरी जानेब फेर लिया। कैसे, कितना हैंडसम है, वो रोंदू होकर कुड़कुड़ाई थी, जिसे मुकाबिल ने सुन भी लिया था। खा लो, तुम्हारा फेवरेट है, ज़्यादा चीज़ वाला। वो किसी को मनाने का आदी नहीं था, चिड़चिड़ी सी मिजाजियत का मालिक था वो, मगर उसके लिए अपनी आवाज़ में नरमी ले आया था। माना मना नहीं रहा था, मगर उसे उसके हाल पे छोड़ भी नहीं रहा था। जैसे एक माँ होती है ना, कि उसे सुकून नहीं आता जब तक उसका बच्चा खाना नहीं खा लेता। भले नाराज़ हो बच्चे से, लेकिन सुकून आएगा तब जब बच्चा खाना खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हाल था कैसर का, उसे सुकून नहीं आ रहा था जब वो बर्गर नहीं खा रही थी। और वो जानता था अगर बर्गर पर इतनी नाराज़गी है तो फिर घर का खाना तो वो बददर्जा अव्वली हाथ नहीं लगाने वाली। कैसर की नरमी से कहने के बावजूद भी उसने बर्गर की जानिब रुख नहीं किया। जुगनू, गुस्सा और नाराज़गी मुझसे है ना, तो मुझ तक महदूद रखो, खाने पे मत निकालो, उसका नन्ना बाजू हल्के से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए बोला। मगर वो बगैर कुछ कहे तेज़ी से उसका हाथ बाजू से झटक गई थी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ वो नखरे दिखाने लगी है उसे अभी से। जाओ मत खाओ, कौन सा मेरे पेट में जाना है? अच्छा है, भूख के मारे पेट के चूहे बाहर निकल आएंगे और तुम्हें ही काटेंगे। बस उसका चूहों का जिक्र करना था कि नायाब फ़ौरन ही उसकी जानिब मत बजा हुई। पेट के चूहे बाहर नहीं आते, वो कतई लहजे में तेज़ी से बोली। आते हैं और काटते भी हैं। जब मैं छोटा था ना और मैंने खाना नहीं खाया था, तो एक चूहा मेरे पेट से बाहर निकल आया था और उसने मेरे यहाँ पाँव पर काटा था, वो भी बहुत ज़ोर से। मुकाबिल अपनी बात से बज़िद रहा, डराना भी तो था। वो अपने उल्टे पाँव की पैंट थोड़ी ऊपर की जानिब खींच कर उसे दिखा रहा था, जहाँ कोई निशान नहीं था। उसने अपनी पैंट एक लम्हे में ऊपर नीचे की थी इतनी फुर्ती से कि वो ठीक तरह देख भी ना सके और उसकी बात पर यकीन करके डर भी जाए। वो आपके घर का चूहा होगा, पेट के चूहे बाहर नहीं आते और आपके पाँव पर भी कोई निशान नहीं है। और सबसे अहम बात, झूठ गंदे बच्चे बोलते हैं, वो छोटी आँखें कर आखिरी जुमला खासा जताते हुए अदा कर रही थी, ये बताने के लिए कि वो उसे झूठी कहानियों से डरा नहीं सकता। अपनी बात कहकर वो मुँह बसोर कर उसे नाक मुँह चढ़ाती वापस अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ गई। जितना तुम मेरे सामने पटर पटर बोलती हो ना, उसका तुम आधा भी स्कूल में बोल लो तो फर्स्ट आओ पूरी क्लास में। उसका नाक मुंह चढ़ाना कैसर के सब्त का बांध तोड़ गया था। ठीक है, मत खाओ, रहो भूखी, तुम्हारे नाना का पाला हुआ नौकर नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँगा। उसे याद नहीं पड़ता उसने कभी खाने पर किसी की इतनी मिन्नतें की होंगी। खाने का पेपर बैग उसकी नन्ही सी गोद में रखकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। घर पहुंचने पर उसने गुस्से से अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतर गया बगैर उसे उतारे। वो अभी एक कदम ही चला था कि जब वो पीछे से चीखी, कैसर मुझे तो उतारो। उसने गाड़ी का शीशा नीचे कर फौरन ही चीख कर आवाज़ लगाई। क्यों, मैं क्यों उतारूँ? तुम मेरी बात मानती हो जो मैं तुम्हारे काम करूँ? वो भी बच्चों की तरह उससे लड़ रहा था। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते, और रोते हुए कतई लहजे में बोली। वो गुस्से का बड़ा तेज था, मजाले जब अपनी पर आए तो किसी की सुन ले। वो तो चल दिया था पलट कर, जब इस मीठी आवाज़ में झलकते भरम और मान ने उसके पाँव को जंजीर किया, कैसर हिल ना सका। फिर मुठ्ठियाँ भीजता गुस्से से पलटा, मैं जा सकता हूँ और अब तुम आओ ड्राइवर के साथ, दांत पीसते हुए कहकर उसने ड्राइवर को आवाज़ लगाई।
ड्राइवर, अभी वो आवाज़ लगा ही रहा था कि नायाब ने ज़ोर ज़ोर से चीखे मारकर रोना शुरू कर दिया। कैसर मुझे गोद में लो, वो रोते हुए बस एक ही सदा लगा रही थी, जबकि मुकाबिल 2 कदम के फासले पे खड़ा खामोशी से उसे रोता हुआ देख रहा था। ड्राइवर करीब आने लगा था जब इसका मुंह, लड़के ने फौरन ही हाथ दिखाकर रोका। वो अच्छे से वाकिफ था नायाब डरती है उससे। कैसर, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, उड्डीर करो पहले मुझसे। बर्गर खाओगी या छोड़ जाऊं ड्राइवर के साथ? गाड़ी के करीब आकर नायाब की जानब का डोर खोलकर बड़े भरम से दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर उसकी जानब देखते एक आईब्रो झुकाकर इस्तफसार किया, तुम बहुत बुरे हो कैसर। वो अपनी नन्ही आंखें हाथों की पुश से रगड़ती उसे चेहरा उठाकर देख मुंह बसोर कर बोली। तो मुकाबिल ने अगले ही पल उसकी नन्ही थोड़ी कस के पकड़ी। दोबारा कहो ज़रा और फिर मैं तुम्हें सही तरह बताऊं कि मैं बुरा होता के बुरा होता क्या है। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखों में गुस्सा झलकता देख तो फौरन ही दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाकर आंखों में आंसू भरे उसे देखने लगी, इस यकीन के साथ कि वो पिघल जाएगा। सॉरी कहो, वो डिमांड कर रहा था। सॉरी, तेज़ी से ताबेदारी में बोली। मुकाबिल ने बगैर कुछ कहे उसकी सीट बेल्ट खोली, पहले पेपर बैग उठाया उसकी गोद से और फिर उसे। अगला सीन, क्या बात है, आज बहुत परेशान से लग रहे हो, उसने उससे लगकर बैठते फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो दोनों इस वक्त अपने एक फ्रेंड के फार्म हाउस में मौजूद थे। हर तरफ रंगीनी बिखरी हुई थी, कोई ड्रिंक करता हुआ नजर आ रहा था तो कोई पूल में नहाता हुआ, लड़के लड़कियां बदमस्त नाच गाना करते हुए नजर आ रहे थे। स्विमिंग पूल पार्टी के नाम पर जमा होने वाले वो कम उम्र लड़के और लड़कियां अपनी ही दुनिया में जी रहे थे, मगर वो सबसे अलग थलग एक कॉर्नर में सोफे पर बैठा हुआ था। कोई ख़ास बात नहीं है, बस अपने एल्बम के लिए पैसे कैसे जमा करूं ये सोच रहा हूँ। उसने बहुत अच्छे से वाकिफ थी कि उसके डैड उसे सिंगर नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए वो उसकी उस मामले में कोई मदद भी नहीं कर रहे। मैं मदद करूं? उसने नहायत खूबसूरत मुस्कान चेहरे पर सजाए मदद की ऑफर की। नहीं, सपाट से लहजे में तेज़ी से इनकार कर गया। उधार ले लो, भले ही बाद में वापस कर देना, वो वाकई उसके ख्वाबों को पूरा करने में मदद करना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी में अपना अहम किरदार बनाना चाहती थी। कह दिया ना नहीं। कैसर अब्दुलरहमान यूसुफ अपनी गर्लफ्रेंड से उधार ले, इससे पहले वो डूब ना मरे चुल्लू भर पानी में, वो मजीद इसरार करना चाहती थी, मगर कैसर फौरन ही उठ के वहाँ से चल दिया था। अगला सीन, आज इतवार का दिन था, दोनों की ही छुट्टी थी। कैसर मुझे ऐसे बाल बनाने, कैसर के घर में दाखिल होते ही उसके मोबाइल पर नायाब का कब्जा होता था। इस लम्हे भी वही उसके मोबाइल में कोई बारबी डोल वाला गेम खेल रही थी जिसमें उन्हें सजाना संवारना होता है। कैसर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था जब वो उसके पास सेल लेकर आई जिसमें एक बार भी डोल काजल चोटी बांधी हुई नजर आ रही थी। ऐसे ये अच्छे नहीं लग रहे, पोनी ही सही है, कौन बनाए इतने मेहनत वाले बाल, इससे तो नहीं आपकी पोनी भी बड़ी मुश्किल से बनती थी। मुझे अच्छे लग रहे हैं, मेरे बाल ऐसे बनाओ, वो जिद पर उतरी तो मुकाबिल ने झिझलाकर उसे देखा और फिर अपनी तवज्जो दोबारा गेम की जानिब मबजूल कर ली। बाद में बना दूंगा, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, तंग मत करो अभी, वैसे भी बहुत हार्ड राउंड है। वो काफ़ी देर से ये राउंड पार करने की कोशिश कर रहा था। बाद में कब? उजलत से इस्तफसार किया। जब ये राउंड पार कर लूँगा। गेम पर अपनी नज़रें मरकूज किए वो तेज़ी से बोला। कैसर वैसे भी उसे टाल रहा था, वो सुबह से यही राउंड खेल रहा था मगर पार नहीं कर पा रहा था, जिसके सबब वो खासा चिड़चिड़ा हो चुका था अब खेलते खेलते, और चिड़चिड़ाहट उसके लहजे में भी झलक रही थी। ये राउंड पार हो गया तो मेरी चोटी बनाओगे? वो बड़े इश्तियाक से पूछने लगी। हाँ बना दूंगा, लापरवाही से जवाब दिया बगैर उसकी जानिब देखने की जहमत किए। बार बार हारने के बावजूद वो गेम की छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसने ठान रखी थी राउंड पार करके ही छोड़ेगा। लाओ फिर मुझे दो, नायाब के कहते ही उसने उलझ कर एक निगाह इस नन्ही सी बच्ची पर डाली। क्या दूँ? रिमोट क्यों खासा उलझ कर? पार करके दूंगी ना, बस नायाब का कहना था कि वो बेख्तियार जोरदार कहका लगा बैठा। तुम पार करोगी? ये तुम्हारे बारबी डॉल को कपड़े चेंज कराने वाला गेम नहीं है, बहुत हाई लेवल का गेम है ये। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो इस लेवल तक पहुंचा है और दूसरा मैं होने वाला हूँ। वो इस नन्ही बच्ची की बात को मुकम्मल मजाक में उड़ाता खासा मगरूर लहजे में जताते हुए बोला, फिर वापस गेम की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज कर गया। नायाब ने उसे हंसता देख मजीद कुछ ना कहा और उसका गेम लेवल पार करने का इंतजार करने लगी। आह, ये पेट में दर्द भी अब भी होना था, इसे वॉशरूम की मिस कॉल आ गई थी। खासा झिंझला कर कहता गेम स्टॉप करके वो रिमोट सोफे पर रख कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। सिर्फ 5 मिनट बाद उसने तेज़ी से आकर सोफे पर रखा रिमोट संभाला, मगर अगले ही लम्हे जब स्क्रीन पर नज़र गई तो वो मुंजमद हो गया तो नज़रें मुंजमद हो गईं। बेयकीनी सी कैफियत में उसने अपनी आँखें मसली और फिर एक बार स्क्रीन की जानिब देखा। लेवल पार हो चुका था मगर कैसे?
लेवल खुद ब खुद कैसे पार हो सकता है, वो भी इतना हार्ड लेवल जो कोई नहीं कर पाता, जिसे वो खुद भी काफ़ी कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पा रहा था। ये लो अब बनाओ मेरे बाल, मैं अब ऊपर से कंघी ले आई थी। अब कंघी उसकी जानब बढ़ाते मुस्कुरा कर बोली, घर में उसके और नायाब के अलावा कोई नहीं था। फिर ये गेम का लेवल किसने पार किया, वो यही उलझा हुआ था। एक लम्हे के लिए दिमाग में ख्याल आया कि शायद नायाब ने किया हो, और फिर अगले ही लम्हे वो जैसे खुद पे हंस दिया कि एक छोटी सी बच्ची कैसे इतना हाई लेवल का गेम पार कर सकती है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। क्या घर में कोई ऊपरी मखलूक भी रह रही है जिसने इसकी मदद की? वो अब यही सोचते हुए घर में इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। वो एक वक्त ये मानने के लिए तैयार था कि कोई ऊपरी मखलूक उसकी मदद कर गई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि नायाब वो बच्ची जिसे जहनी तौर पर कमज़ोर कहकर स्कूल से निकालने की वार्निंग दी जा चुकी है, वो गेम का लेवल पार कर सकती है। आपने कहा था लेवल पार हो गया तो बाल बनाएंगे, वो उसे उसी का वादा याद दिला रही थी। मुकाबिल की बात सुन अपना रिमोट कंट्रोल सोफे पे बेदिली से पटका, फिर उससे सेल लेकर अच्छी तरह बालों की जांच पड़ताल की, फिर नेट पर वीडियो सर्च की काजल चोटी के नाम से, और फिर उसे बनाने का तरीका देखा। देखने में तो उसे काफ़ी आसान लगा था। आसान है ये तो, मैं बना लूँगा, वो दिल ही दिल वीडियो देखते हुए गोया हुआ। ओके आओ बैठो मैं बनाऊँ, उसके कहते ही वो फ़ौरन ही सोफे पर बाखुशी आकर बैठी, वो भी उसकी जानिब मुड़कर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, इसी लम्हे मुलाजमा सलाम करती हुई घर में दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसर ने जवाब दिया जबकि नायाब बिल्कुल खामोश थी। जब से नायाब की स्कूल से शिकायत मिली थी तब से वो नायाब पर थोड़ी बहुत तवज्जो दे रहा था, और इसी दौरान उसने एक बात नोट की थी कि नायाब सिवाय उसके किसी से भी बात नहीं करती, यहाँ तक कि घर की मुलाजमा से भी नहीं, जबकि वो नन्ही परी उससे ज़्यादा मुलाजमा के साथ वक्त गुजारती है घर में। सलाम का जवाब दो जुगनू, वो बड़ी नरमी से हकीमाना अंदाज में बोला, मगर फिर भी नायाब ने कुछ ना कहा। मैं पहले खाना बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर सफाई स्टार्ट करूँगी, मुलाजम मुस्कुराते हुए कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई थी। कैसर बड़े मज़े से उसके बाल बना रहा था, उसे बहुत पसंद थे नायाब के खूबसूरत घने सिल्की बाल, उसकी उंगलियों को भी जैसे कोई लुत्फ और सरूर मिल रहा हो उसकी जुल्फों में उलझे। उसे चोटी बनाना नहीं आ रही थी, वो 4 से 5 बार ट्राई कर चुका था, मगर इसके बावजूद इस सदा के झिझलाए व आदम बेजार बंदे में मजाल है, ज़रा भी चिड़चिड़ाहट का आंसर आया हो। छोटे मास्टर, मेरी माने तो नायाब बीवी के बाल कटवा दें, वरना उनका कद नहीं बढ़ सकेगा, मुलाजमा के मशवरतन कहते ही वो एक लम्हे की देर किए बगैर तेज़ी से सख्त लहजे में बोला। हरगिज़ नहीं, उसकी आंखें बरहमी से बाहर आने को हुई। ये मशवरा भी उसे जैसे जहर लगा था, उसे खुद भी एहसास नहीं था, मगर नायाब के बाल बड़े अजीज थे उसे। मुलाजमा को अंदाज़ा नहीं था वो इतना सख्ती से जवाब देगा। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि नशुमा रुक जाती है बच्चों की। वो तेज़ी से लचकदार अंदाज में अपनी बात की मुराद को वाजह करने लगी, जिसमें जाहिर था कि वो नायाब की बेहतरी के लिए ये मशवरा दे रही थी। तुम काम करो जाके, वो बेरुखी से कहता वापस काजल चोटी बनाने में जुट गया था। कैसर, ये बिल्कुल भी तस्वीर जैसी नहीं है, वो अब कमरे में सिंगारदान के सामने खड़ी अपने बालों को आईने में देखते हुए मुंह बसोर कर बोली। वैसी ही है बल्कि उससे बेहतर है, बहुत प्यारी भी लग रही है तुम पर, इस हसीन लड़के ने बेड पर थककर गिरने वाले अंदाज में लेटते हुए अपनी बातों से कायल करने की कोशिश की। नहीं है, ठीक कहती है शमीमंती, मुझे अपने बाल कटवा लेने चाहिए, खूबसूरत बाल तो वैसे भी नहीं बनाने आते आपको। अपनी नाशुक्री नन्ही बीवी की बात सुनते ही वो बेयकीनी से उठकर उसे देखने लगा। पूरे 1 घंटे कोशिश की थी उसने बाल बनाने की, मगर मजाल इस नाशुक्री लड़की को ज़रा भी उसकी इफ़र्ट्स नज़र आई हो, सोचना भी मत बाल कटवाने की, वो सख्ती से आंखें दिखाते हुए गोया हुआ। मगर नायाब कहाँ उसके गुस्से पर तवज्जो दे रही थी, कड़वा सा मुंह बनाती वो अपने बाल खोलने लगी। पहले जब कभी इतवार आता तो उसका दिन बहुत बोरियत भरा गुजरता, वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, बस वक्त गुजारी करता, मगर अपने जुगनू के साथ इतवार का दिन कहाँ गुजरता है पता ही नहीं चलता है। अगला सीन, मैं थक गया हूँ बस सोना चाहता हूँ। वो 7 बजे के करीब जब घर में दाखिल हुआ तो नायाब तेज़ी से उसके पास सेल लेने आई, मगर बजाय उसके हाथ में अपना सेल देने के वो उल्टा उसे ही गोद में भरता ऊपर चल दिया था। तो मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, उसकी भूरी चमकती आंखों में फुल बैटरी चार्ज के सिग्नल मौजूद थे, जिन्हें वो देख कर भी अनदेखा करता है उसे अपने साथ बेड पर लिटा चुका था। तुम्हें नींद नहीं आ रही, तभी तो अपने साथ लेकर आया हूँ, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह मेरे सर की मालिश करो जब तक मैं सो ना जाऊँ। उसका सर काफ़ी भारी भारी सा हो रहा था, उसकी नन्ही सी बाहें खुद फैलाकर उस पर हल्के से अपना सर टिकाया और मालिश का ऑर्डर जारी किया।
बहुत भारी सारे तकिए पर रखे ना, वो लचकदार लहजे में गोया हुई, उसकी मीठी सी आवाज़ और नन्ही सी जान पर तरस खाते सर उसके हाथ से उठाकर तकिए पर रखा। अब मालिश करो, पहले मोबाइल दें, फौरी डिमांड रखी। मुकाबिल का इस वक्त बोलने तक की जहमत करने का दिल नहीं था, इसलिए फ़ौरन ही अपनी पॉकेट से सेल निकाल कर उसके हाथ में पकड़ाया। बस अब करो, और हाथ रुकना नहीं चाहिए, अगर रुका ना तो छीन लूँगा। वो तड़ी लगाता आंखें मूंद गया था, अपनी नायाब एक हाथ से उसके सर में मुसलसल मालिश करती रही और उल्टे हाथ से मुसलसल मोबाइल चलाती रही, जबकि वो मोबाइल में गेम खेल रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसका सीधा हाथ रुक नहीं रहा था, उसका सीधा हाथ इसी तरह काम कर रहा था जिस तरह जब वो मोबाइल यूज़ ना कर रही होती तब करता, जिससे जाहिर था कि उसके दिमाग का कॉर्पस कॉलोजम दीगर लोगों के मुकाबले ज़्यादा है, यानी उसका सीधे दिमाग से उल्टे दिमाग के हिस्से का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर वो ये गैर इरादी तौर पे किया गया अमल था, वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये कोई कमाल है कि वो दोनों हाथों से अलग अलग काम बेक वक्त कर सकती है, वो भी बग़ैर किसी परेशानी के। कैसर की आँख खुली तो नया आपको अपने ही तकिए पर सरक कर सोता हुआ पाया, उसका नन्ना सा चेहरा बस ज़रा से फासले पर था। वो उसे यूं ही देखने लगा, बेवजह यूं ही उसे तकते रहना जैसे अच्छा लगता था, एक अजीब सा कैफ था जिसे शायद वो लफ्ज़ों में बयां भी ना कर सके। उस जैद के जुमले अचानक ही याद आए, जब उसने कहा था मॉल में पिज़्ज़ा खाते हुए कि देखना तू 2-3 महीने में ही थक जाएगा इस बच्ची से और उसकी जिम्मेदारियों से, और फिर खुद ही थक कर उसे छोड़ आएगा यतीम खाने। उसने तब कहा नहीं जैद से, मगर डर उसे भी यही था कि वो चिड़चिड़ा जाएगा, झिंझला जाएगा, जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करेगा, वो नहीं उठा सकेगा एक बच्ची की जिम्मेदारी 2-3 महीने, तो क्या उसे तो लग रहा था कि वो 1 महीने भी नहीं उठा सकेगा, फिर वो क्या करेगा, वो ये सोचना भी नहीं चाहता था। मगर आज पूरे 5 माह गुजर गए थे और वो नहीं थका, ना ही झिंझलाया, ना ही उसे उकताहट आई, ना ही वो बेजार हुआ, बल्कि पहले जहाँ वो घर में बिल्कुल भी नहीं आया करता था उसके मुकाबले अब वो घर में छुट्टी वाला दिन बासानी गुजार रहा था। जल्दी से बड़े हो जाओ जुगनू, वो उसकी नन्ही खड़ी नाक से अपनी नाक मिस कर मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया और फिर आँखें मूंद गया। अगला सीन, मामा पता है डफर बहुत प्यारी है, वो सोने के लिए लेटा हुआ था अपनी माँ के बराबर में जब उसने यकदम कहा। डफर कौन? वो पोनी वाली, कैसर की भांजी, मैमुना खातून अंदाज़ा लगाते हुए बोली। हाँ वो ही, कैसर अंकल की भांजी, पता है वो रोते हुए भी बहुत प्यारी लगती है, उसकी नाक ना बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाती है। जरियाब जो नया आपका क्लास फेलो और जैद का भांजा था, नया आपके रोते हुए सरापे को अपनी आंखों में घूमता हुआ अभी भी देख रहा था। मैमुना खातून हमेशा देखा करती कि वो जब भी उस बच्ची का जिक्र करता उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती। और वो रो क्यों रही थी? मैमुना खातून ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। क्योंकि क्लास की बच्चियां उसे डफर डफर कह के चिढ़ा रही थी, एक ने डफर कहते हुए उसके सर पर थप्पड़ भी मारा था, उसकी मीठी नरम आवाज में उदासी अलग ही झलकी थी ये बताते हुए। तो आपने मदद नहीं की उसकी? उन्होंने तेजी से पूछा। तो क्या मुझे करनी चाहिए थी? वो अपनी वालदा की जानिब देख मासूमियत से पूछने लगा। बिल्कुल, दूबदू जवाब आया, मगर उसे अच्छा नहीं लगता और वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। मैंने उसे कहा था कि वो मेरी दोस्त बने, मगर उसने हैंडशेक नहीं किया। मामा, शदीद अफसरदगी व मायूसी थी जरिए आपके मासूम लहजे में। ओ, हो सकता है उसे नए लोगों को दोस्त बनाना अच्छा ना लगता हो। आप उसकी मदद करो, पढ़ाई में वो कमज़ोर है ना, और उसे प्रोटेक्ट करो इन लोगों से जो उसे तंग करते हैं, ऐसा करने से वो आपको अपना दोस्त बना लेगी। वाकई मामा, अगर मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा और उसकी पढ़ाई में मदद करूँगा तो वो मुझे दोस्त बना लेगी? एकदम खुशी की लहर सी उभरी थी जरिए आपके अंदर। बिल्कुल, उसकी मासूमाना खुशी देख मुस्कुराते हुए बोली। चलो अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना, वैसे भी मामा थक गई हैं। जरिए आप सो जाओ, इससे पहले मामा सो जाएं और आपको फिर डर लगे। मैमुना का ये रोज़ का तकिया कलाम था सोने से पहले। उसके ये कहते ही जरिए आपने आँखें बंद कर ली थी, मगर आँखें खुली हों या बंद क्या फ़र्क पड़ता है, नज़र तो अब भी वही आ रही थी रोते हुए, उसकी बुरी चमकती आँखें जिनमें से आंसू बह रहे थे और लाल टमाटर होती नाक जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यारी। जी जनाब, तो कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, अपने अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से लिखी जाने वाली नॉवेल राइटर को, जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से नॉवेल लिखती हैं, उन्हें लगे कि उनकी मेहनत वसूल हो गई है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक दुआओं में याद रखिएगा आप लोग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।